पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं बगैर वीजा के, बगैर परमिशन के, जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गए यहाँ पर? जी हाँ सर। आकर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ। किससे शादी करी? सचिन से। सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा, यहाँ इंडिया में आई है, नोएडा में है। जी। अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी साथ रह रहे बिल्कुल। जी, पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है? रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई आप इंडिया में? नेपाल के जरिए आई। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए सर? उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, यहाँ की मीडिया में चल रहा है, रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है जी? तीन बच्चों के सर रॉ एजेंट है? अरे वाह, अरे विचार करनी चाहिए फिर तो, हिट हो जाएगी ये तो। मालूम तीन बच्चों के साथ? अच्छा, वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके तीन बच्चे पैदा करके? जी सर। रॉ एजेंट बन के? जी सर। यहाँ गई? अच्छा, वो शोहर को छोड़ी नहीं छोड़ी पहले वाले को? नहीं, अब वो तो शहर नहीं छोड़े सर। हाँ। नहीं छोड़े? अरे वाह, ये तो ये कौन सा दुबई में? हाँ, शोहर पहले का शोहर दुबई में सर, तो नहीं छोड़े? उसको पता भी नहीं था सर। अच्छा, मालूम भी नहीं? नहीं, यहाँ पर उनका शादी हो गया? जी सर हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? नहीं मालूम मेरे को, ग्रेट है ये तो। क्या बोले इसको, क्या बोलेंगे? तो वकील साहब आप बोले, आप पहले जानते हैं, आप काला कोट पहने हुए? मैं तो नहीं, मेरे को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, तीन बच्चे हैं, और आप बोल रहे हो रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली? शादी कर ली सर। तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हरते में शादी हो गई, फिर यूसीसी की बात बीजेपी कर दी? क्या बात है, देखिए।